नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और इसके पहले के हमारे जो वीडियोस हैं उसको आप सभी ने जरूर से देखा होगा, जिसमें हमने आपको टेंस पढ़ाया था और तब हमने आपको बताया था कि जब तक आप टेंस को आइडेंटिफाई करना सही तरीके से नहीं सीखेंगे, जब तक कि आपके अच्छी पकड़ टेंस टॉपिक पे नहीं होगी, तब तक आप वॉइस अच्छे तरीके से नहीं बना सकते, वॉइस को बनाने में आपको दिक्कतें जा सकती हैं। ठीक है, तो आइए टेंस को पढ़ने के बाद आज हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, वॉइस। अब वॉइस में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, वॉइस कितना आसान है। देखिए, वॉइस में जो सबसे पहले जनरल रूल्स हैं, हम लोग सबसे पहले इनको समझें। देखिए, होता क्या है कि सामान्य तौर पर हम सबों ने पढ़ा है, बचपन से ये पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, तो ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका होता है, ये एक्टिव का होता है। ठीक है, अब एक्टिव से जब आप इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ये सब्जेक्ट इधर चला आता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है। ठीक है, ऐसा हम लोग देखते हैं। और ये जो वर्ब होता है, जहाँ था वहीं होता है, यानी कि वर्ब मिडिल में होता है, पहले भी एक्टिव में भी और पैसिव में भी वर्ब मिडिल में ही रखा जाता है। अब जो भी चेंज होता है वो चेंज क्या होता है भाई, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में ही चेंज आपको देखने को मिलते हैं। तो सारा का सारा गेम किसका है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का, जैसा कि हम लोगों ने टेंस में भी पढ़ते समय देखा था, सीखा था, और वहाँ भी हमने आपके साथ इसकी चर्चा वीडियो के माध्यम से करी थी। ठीक है, अब इनके अलावा कुछ और फैक्ट हैं जो हम लोगों को जानने चाहिए। देखिए, किसी भी वॉइस को बनाते समय, आपको कम से कम इसका ये सब्जेक्टिव केस याद होना चाहिए और ये ऑब्जेक्टिव केस याद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मी होता है। ठीक है, या हम किसी की भी बात कर लें, जैसे देम की चर्चा करें तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है। ठीक है, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ये जरूरी है। क्यों, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चंस में आपको इनका यूज होता हुआ दिखाई पड़ेगा और सारे के सारे क्वेश्चन में हम लोग इनका यूज करेंगे भी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो ये देखें, ये जनरल रूल्स हैं। तो जनरल रूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है क्या है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, ये आपस में क्या करता है, इंटरचेंज कर जाता है। ठीक है, और इस तरीके से इसके बाद अगला रूल हम लोग पढ़ते हैं, जो चेंज नहीं करता वो क्या है, टेंस चेंज नहीं करता, टेंस चेंज नहीं करता है भाई, इसका आपको ध्यान रखना होगा। पैसिव में हमेशा हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हम लोग पैसिव में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगला देखिए, प्रीपोजिशन बाय का सामान्य तौर पे यूज किया जाता है, यानी जब भी कभी किसी भी एक्टिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप वहाँ पे करते क्या है, वहाँ पे सामान्य तौर पे आप प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट, पैसिव बनता किसका भाई, तो केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो आपके पीएससी एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि उस लेवल के क्वेश्चन की हम बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब उसी को कहते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आपको दिखाई पड़े, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई पड़े उसी वर्ब को कहेंगे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यानी एक्टिव से पैसिव सिर्फ उसी का बनेगा जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में गिवन होगा। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा तो उस वर्ब का एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा या उस सेंटेंस का भी एक्टिव से पैसिव हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, अगला क्या है भाई, पैसिव ऑफ इंट्रांजिटिव इज नॉट पॉसिबल, वही बातें हैं, लेकिन दुनिया के सभी इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बना लिया जाता है, बट इस लेवल के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है कि प्रेजेंट इंडिफरेंट का, पास्ट इंडिफरेंट का, फ्यूचर इंडिफरेंट का, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको, इस इंडिफरेंट वाले स्ट्रक्चर को एक्टिव से पैसिव में कैसे हम लोग चेंज करें और फिर इनको हमें याद रखना होता है, रटना होता है। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग आपको एक भी स्ट्रक्चर याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, दो चार दर्शन कर लेते हैं हम लोग, दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस का देखते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे परफेक्ट का देखते हैं, और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनता नहीं। देखिए, टोटल जो टेंस होते हैं, तो बचपन से हम सबों ने पढ़ा है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और तीनों ही टेंस के चार चार टाइप्स होते हैं। पहला इंडिफरेंट होता है, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, और फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। तो टोटल टाइप्स ऑफ टेंस कितने होते हैं? 12 भाई, 4 होते हैं प्रेजेंट के, 4 होते हैं पास्ट के और 4 होते हैं फ्यूचर के, ठीक है। और इनमें से 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस निकल गए और 1 निकल गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, 4 निकल गए, यानी टोटल 8 टाइप्स ऑफ टेंसेस के ही एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं, हम लोग उसी को पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए, आपको किसी भी स्ट्रक्चर को, इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट को याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी 10 मिनट के अंदर हम लोग का वॉइस खत्म हो जाएगा, कैसे कितने आसान तरीके से और कितने आसानी से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, आइए इन सबको हम लोग यहाँ पे सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एग्जांपल लेने के पहले हम लोग इनके फॉर्मेट को देखें, इनके कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करें। देखिए, यदि कहीं भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो, तो रटने वाला जो टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। और यदि सेंटेंस हमारा लिखा गया हो पास्ट इंडिफरेंट में, पास्ट इंडिफरेंट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, तो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं वाज वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ये काम करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर जनरलाइज कर लें, तो जनरलाइज करेंगे तो ये देखो, ये इज एम आर, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ये जो इज एम आर है, वाज वर है, ये सब क्या है? वर्ब बी है। क्या है? वर्ब बी के पार्ट है। यानी यहाँ से जनरलाइज करने पे हमें सीखने को ये मिलता है कि यदि सेंटेंस में ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, किसी सेंटेंस में ये वर्ब आपको यदि देखने को मिले, तो इनको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? इसे हमें कन्वर्ट करना होगा वर्ब बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। अब यदि सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे ये देखो, ये क्या है? ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और यदि सेंटेंस पास्ट में होगा तो किसका यूज करेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये देखो, वॉज वर्ब क्या है? वर्ब के सेकंड फॉर्म है, राइट। तो ऐसा ही हम लोग करते हैं, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। बस इतना ही सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ से प्रेजेंट और पास्ट दोनों के इंडिफरेंट हम लोगों के ओवर हो गए, समाप्त हो गए। अब इसके बाद जो रटने वाला टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग आप जब इज एम आर के साथ यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो आप कहते हैं कि सर ये जो स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव में लिखा हुआ है। अब आप जब इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो फिर आपको रटना होता है इज एम आर के साथ हम क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे बिंग का यूज करेंगे, बिंग प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज, सॉरी बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यही आप बताएंगे, ठीक है। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा क्यों नहीं करना है भाई? अब आ जाइए सीखिए। ये देखिए, ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, इस वर्ब के फोर्थ फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो सेंटेंस यदि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हो या पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा हो, किसी भी कंटिन्यूअस में लिखा हो, कंटिन्यूअस में यदि है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और यदि उसका एक्टिव से पैसिव बनाना है तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यही काम हम लोग यहाँ भी करते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस आपको पास्ट में गिवन हो तो क्या यूज करेंगे? वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे हमें वॉज वर्ब से कोई मतलब नहीं है, वॉज या वर्ब जो भी होगा वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। अब फिर क्या लिखना होगा हम लोगों को? तो फिर इसके साथ हम लोगों को यहाँ पे ये लिखना होगा बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे वॉज या वर्ब अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर्ब जो भी एप्लीकेबल हो उसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बारी आती है कि फिर आप रटते हैं, फिर रट्टा मारते हैं। कैसे रट्टा मारते हैं भाई? तो सेंटेंस में हैज या हैव का यूज किया गया हो और इसके साथ यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो आप कहते हैं सर ये ना परफेक्ट टेंस में लिखा है, और परफेक्ट टेंस यानी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। अब इसका पैसिव यदि हम आपसे पूछे तो आप बचपन से रट्टा मार के आते हैं। क्या रट्टा मार के आते हैं भाई? तो फिर आप कहते हैं सर इसके साथ हम हैज हैव का यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे यूज करेंगे बिन, और फिर यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो भाई आप ये जरा ध्यान दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज करते ही हैं हम लोग पैसिव में। अब इस क्वेश्चन में या इस स्ट्रक्चर में आपको चेंज होता हुआ दिखाई क्या पड़ रहा है, तो आपको एक ही चीज यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिए, हैज हैव के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, हैज हैव के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो इस हैव फैमिली को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको आप कन्वर्ट करते हैं हैव फैमिली प्लस बिन में। अब ये हैव फैमिली क्या होता है भाई, तो हैव फैमिली का मतलब हमने आपको पिछले क्लास में टेंथ चैप्टर में पढ़ाया था, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। बात समझ में आई दोस्तों, बस यही काम हम लोगों को यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे इस हैज हैव की जगह यदि हम हैड का यूज कर दें, अब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो हम इसी को टेंस क्या बताएंगे कि सर इसका टेंस है पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं होता भाई, ठीक है। या किसी और का परफेक्ट हो जाए, जैसे फ्यूचर परफेक्ट हो जाए, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं होता। हमारा सीधा सा काम है कि ये जो हैज है भाई, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये जो हैव फैमिली है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हैव फैमिली प्लस बिन में। किस में कन्वर्ट करेंगे, हैव फैमिली प्लस बिन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका यदि पास्ट वाले का हम लोगों को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हैड को लिख दिए हैड बिन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है एक्टिव में भी और पैसिव में भी। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए तो यहां तक था हम लोगों का सारा एक्टिव से पैसिव का गेम, वो जो टेंस पर आधारित था। अब इसके बाद क्या और कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ बिल्कुल है, अब आ जाइए उस कॉन्सेप्ट की चर्चा भी हम लोग यहीं पे करते चले। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है कि कोई भी मॉडल वर्ब हो, क्या हो, कोई भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हो, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ यदि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ दिखाई पड़े तो यही होता है एक्टिव में। और इसको जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, आप चेंज करेंगे मॉडल, जो भी था जैसा था वैसा ही रहेगा, यहाँ पे यूज करेंगे भी ई बी, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब सबका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसी प्रकार से अब सबका एक एक एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे सी लाइक्स, अच्छा ये लाइक्स हम लोग यहाँ पे मिटा दें, लाइक की जगह कुछ और लिखें, सी राइट्स, सी राइट्स अ बुक। देखो ये क्या है, मेन वर्ब। अब एक और ध्यान रखना होगा आपको, जब भी कभी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें दो क्वेश्चन आता है एक्टिव टू पैसिव, और दो क्वेश्चन आता है पैसिव टू एक्टिव। जब भी कभी किसी भी सेंटेंस का वॉइस चेंज करना हो, चाहे उसको एक्टिव से पैसिव में ले जाना हो या पैसिव टू एक्टिव में ले जाना हो, आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना होगा, और वो बात कौन सी होगी, तो वो बात होगी आपकी कि आपको दिए गए सेंटेंस का सबसे पहले मेन वर्ब पकड़ना होता है, उसके बाद फिर उसका सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। आ जाइए तो सबसे पहले ये हो गया हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गया, ये हो गया हमारा मेन वर्ब का सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या करेगा, आपस में इंटरचेंज करेगा, तो यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया अ बुक। अब ये अ बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो बुक कैसा है, सिंगुलर, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म था, तो ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था, यानी कि सेंटेंस था हमारा प्रेजेंट में। अब सेंटेंस जब ये प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट वाला फॉर्म ही हम यूज करेंगे, तो अब बुक के साथ हम कौन सा फॉर्म यूज करें, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, चूंकि ये सिंगुलर है तो यूज करेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो हम यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज कर लिए, इज अ बुक इज अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, और सामान्य तौर पे इस प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया बाय, और बाय के बाद अब सी का क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हर। अब बातें समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं सबका। तो अब अगला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, एक एक सबका एग्जाम्पल लेंगे। सी इज स्पीकिंग, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, आंसर क्या बनेगा। अब देखो इंग्लिश सबसे पहले क्या पकड़ना था, मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ जो भी था जैसे था वैसे ही रहेगा। हमने क्या बताया, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, बिंग, तो बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म है, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन, और यहाँ पे सामान्य तौर पे बाई, और बाई के साथ हर।
तो इसी तरीके से सबका हम लोग करते हैं ऑपरेशन। अब फिर सी हैड बीटन हिम, क्या बन जाएगा? ही हैड बिन बीटन, ही हैड बिन बीटन बाय हर। ठीक, इसमें हमने क्या किया, ये हैव फैमिली था तो हैव फैमिली को किस में कन्वर्ट करते हैं, हैव फैमिली प्लस बिन में कन्वर्ट करते हैं, यही हमने आपको सिखाया। ये पास्ट परफेक्ट हो गया, एक पास्ट इंडिफरेंट का हो जाए। सी सी रूट अपोयम, मेन वर्ब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, आंसर क्या बनेगा, अपोयम अपोयम। अपोयम के साथ क्या लिखेंगे, अपोयम वॉज रिटन, अपोयम वॉज रिटन बाई बाई हर, तो पास तक का हो गया। अब एक दो फ्यूचर का भी हो जाना चाहिए। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं सीधा हम लोग, फ्यूचर इंडिफरेंट या फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे सी विल हेल्प यू, अब मेन वर्ब क्या है, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। आ जाइए इसका आंसर बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू विल बी हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प्ड बाय सी का क्या हो गया, हर। ठीक, अब आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, सर आपने तो इसका वाला पढ़ाया नहीं फ्यूचर इंडिफरेंट वाला। भाई आप फ्यूचर इंडिफरेंट में पढ़ते क्या, ये मॉडल वर्ब है और ये मॉडल के साथ क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं भी गिवन हो तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। पैसे में क्या करते हैं, मॉडल प्लस बीई बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेरी सिंपल, वही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया। और इसी तरीके से आइए फ्यूचर परफेक्ट का भी एग्जाम्पल लेते हैं। सी विल हैव लेफ्ट लेफ्ट द बुक हियर बाय टुमारो, तो कल तक वो बुक यहां छोड़ चुकी होगी। सबसे पहले हमारा मेन वर्ब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये बस बात खत्म, बाकी से हमें कोई मतलब होता ही नहीं। आंसर क्या बनेगा, द बुक हो गया। अब बुक के साथ क्या लगाएंगे, विल, द बुक विल, अब ये हैव, देखो ये हैव फैमिली था तो हैव फैमिली को किस में कन्वर्ट करते हैं, हैव फैमिली प्लस बिन में कन्वर्ट करते हैं, तो हैव बिन, और ये क्या हो गया, हैव बिन लेफ्ट लेफ्ट हियर बाय टुमारो बाय हर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, लेफ्ट बाय हर हियर बाय टुमारो, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बोथ आर क्वाइट सेम, दोनों बिल्कुल सही है। तो ये था टेंस बेस्ड, जितने वॉइस के कॉन्सेप्ट थे उनकी कहानी थी ये। अब इनके आगे हम लोग निकलते हैं, अब इनके आगे आपको और क्या क्या पढ़ना है, तो अब एक दो इंटरोगेटिव को समझते हैं। इंटरोगेटिव को समझने के बाद फिर हम लोग चलेंगे डबल ऑब्जेक्ट में। आइए इंट्रोगेटिव को समझते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव में लेते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले पॉजिटिव सेंटेंस का, सी यही ही हेल्प्स हर, अब कोई पुरुष है जो किसी महिला की मदद करता है, ठीक है भाई अच्छा काम करते हो करते रहो। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारा मेन वर्ब क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ठीक है। अब इसी सेंटेंस को यदि इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डज ही हेल्प हर, देखो इंट्रोगेटिव बन गया। अब इसका आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो यहाँ देखो डू डज के साथ क्या लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इसका सेंटेंस का टेंस क्या हो गया, इसका टेंस हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो फिर कैसे बनेगा, वैसे ही बनेगा। या कई बच्चों को, आप में से यदि किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत वीक हो तो इस तरीके के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लें, या इस तरीके से इसकी कल्पना कर ले कि इस तरीके से सेंटेंस गिवन है और इसी का आप एक्टिव से पैसिव बना, तो चलो इसका एक्टिव से पैसिव यदि हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा सी, और सी के साथ फिर क्या लिखेंगे, सी और सी के साथ लिखेंगे इज, इज हेल्प्ड, सी इज हेल्प्ड बाय बाय हिम,
ये बनेगा हमारा। अब देखिए, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ था, क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये वाला, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ था, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, अंदर ले गए थे, या सेंटेंस को अफर्मेटिव हमने बनाया था वो तो अपने फायदे के लिए, तो फिर इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे ला के लगा देंगे, यही हो गया हमारा आंसर। और ये बात केवल इसी के साथ नहीं, सभी के साथ होता है। जैसे जैसे आई कैन राइट, आई कैन राइट अ बुक, ठीक है। अब इसमें हमारा मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब ये हो गया, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आंसर देख लीजिए क्या है भाई, आंसर क्या हो गया, तो आंसर बनेगा अ बुक। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज करेगा, जो मॉडल वर्ब जैसे वैसे ही रहेगा, तो कैन का कैन ही रहेगा। और फिर क्या करते हैं, बी लगाते हैं, बी के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो हो गया रिटेन। और फिर क्या, ये बाई, बाई के बाद यहाँ पे मी, बन गया, वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसी में हम लोग सीखेंगे, ये तो मॉडल वाला था, अब मॉडल का भी इंट्रोगेटिव सीखेंगे। अब मॉडल के इंट्रोगेटिव को सीखने के पहले हम लोग इसी में प्रयास करेंगे कि ये जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को हम डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में बदल लें। जैसे डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हम क्या करें, मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया वाई, वाई डज ही हेल्प हर, तो इसका आंसर तो यही था, आंसर सब कुछ वैसे ही रहेगा, जो भी डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे हमने यूज किया था स्टार्टिंग में, वही सेम डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड हम आंसर में स्टार्टिंग में यूज कर लेंगे, यही हो जाता है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, या ऐसे किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो। तो हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव वर्ड वाले इंटरोगेटिव, दोनों का एक्टिव से पैसिव बनाना हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। लेकिन इस कड़ी में आपको हु एक जो क्वेश्चन है, या हु वाले जो क्वेश्चन है, हुम वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो आइए अब इनको भी हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करें। जरा ध्यान से देखिएगा, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, हु लव्स यू, हु लव्स यू, और यहाँ पे हम एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, हुम डू यू लव, हुम डू यू लव, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए और सामने देखिए, दोनों सेंटेंसेस में हमारा मेन वर्ब क्या है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। और फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, होम यहाँ पे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें हो क्या रहा है आपके साथ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है किससे शुरू हो रहा है, हु से। तो यदि कोई क्वेश्चन हु से शुरू होगा तो आप इसके एक्टिव से पैसिव बनाते समय हु को सबसे पहले चेंज करके लिखेंगे बाई होम में, किस में लिखेंगे, बाई होम में लिख दिए इसको, ठीक है। अब ये क्या था, तो ये था अपना वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट में था, तो प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट था, एक्टिव का पैसिव का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार होता नहीं है। ये था हमारा ऑब्जेक्ट, पैसिव का बनेगा सब्जेक्ट, तो यू आ जाएगा यहाँ पे, यू आ जाएगा यहाँ पे, ये बात समझ में आई। अब जरा ये बताओ, तो ये बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट, तो इसके लिए हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करें, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, यानी हम यहाँ पे डू का यूज करें या डज का यूज करें, तो आंसर आएगा कि सर इसके लिए डू का यूज करें, तो हमारा आंसर ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे डू डज का यूज तो एक्टिव में करते हैं, पैसिव में हम लोग इसका यूज करते नहीं है, पैसिव में किसका यूज करते हैं, तो इज एम आर का यूज करते हैं, और इज एम आर भी क्या होता है, वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही होता है, जो अभी आज के क्लास में हमने आपको पढ़ाया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आर का, और ये आर क्या होता है, ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो चूंकि ये प्लूरल होता है इसलिए इसके साथ यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आया, ये कहने का तात्पर्य था, न कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का मतलब डू लिखना था, राइट। चलिए आगे बढ़े, अब इसके बाद क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, लव्ड, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इनका बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। और यदि एक्टिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको दिखाई पड़े हुम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ दिखाई पड़े, आपको हुम लिखा हुआ दिखाई पड़े, तो जब आप इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसके बदले आप लिखेंगे हु, क्या लिखेंगे, तो आप इसके बदले में लिखेंगे हु, क्या लिखेंगे,
आप इसके बदले में लिखेंगे हु। अब चूंकि इसका सेंटेंस भी, इसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी कहाँ है, वो भी प्रेजेंट इंडिफरेंट में है, तो इसका भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, तो ध्यान दीजिए ये क्या है होम, और ये था यहाँ पे एक्टिव में ऑब्जेक्ट, पैसिव में बन जाएगा सब्जेक्ट, तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि यदि दुनिया का कोई भी WH इंट्रोगेटिव वर्ड, दुनिया का कोई भी WH इंट्रोगेटिव वर्ड किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करे तो इसे मानेंगे सिंगुलर, वर्ब देंगे सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म का मतलब फिर से ये मत समझ लेना कि सर डज की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब कौन सा, बी वाले वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो बी का फिफ्थ फॉर्म कौन सा था, इज, तो यूज करेंगे इज, तो हु इज लव्ड, हु इज लव्ड बाय यू, ये बनेगा हमारा आंसर। समझ में आया दोस्तों, तो ये था WH इंट्रोगेटिव वर्ड के सारे कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि यदि सेंटेंस में, यदि किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ही टीचेस इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मेन वर्ब कौन सा, ये सब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, पहला दूसरा और ये तीसरा, तीन ऑब्जेक्ट हो गए। यदि किसी भी मेन वर्ब का एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो तो आपको ध्यान ये देना होगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट लिविंग हैं या सारे के सारे ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हैं, या जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें से कोई एक लिविंग है कोई दूसरा नॉन लिविंग है, ये अब आपको ध्यान रखना होगा। तो यदि सारे के सारे ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो सभी को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, सभी को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, सी टीचेस मी हर, अच्छा हर छोड़ देते हैं, हर की जगह हम हिम लिखते हैं, सी टीचेस मी हिम एंड यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी मेन वर्ब हमारा कितना है, एक है, सब्जेक्ट एक है, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं, लिविंग है, तो यदि किसी भी मेन वर्ब के एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो और सारे के सारे ऑब्जेक्ट लिविंग हो तो एक्टिव से पैसिव में सभी के सभी ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, क्या करते हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द रूल 2-3-1 जो प्रोनाउन में आप पढ़ते हैं कि एक से ज्यादा पर्सन एक साथ आए तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा। चलिए तो आंसर यूज करें हम लोग, आंसर लिखना शुरू करें, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले यू जो सेकेंड पर्सन था, उसके बाद थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही, और फिर एंड, एंड के बाद क्या लिखेंगे, आई, देखो अब ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन और ये हो गया फर्स्ट पर्सन, आ गया रूल नंबर 2-3-1, ठीक है। आर, अब इसके साथ क्या लिखेंगे, आर, आर के बाद टॉट, आर टॉट, हर टॉट बाय हर, टॉट बाय हर, इस तरीके से हो गया, वेरी सिंपल। लेकिन यदि किसी भी मेन वर्ब का एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो, उनमें से एक लिविंग हो और दूसरा नॉन लिविंग हो, तो दोनों को एक ही साथ आप पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बना सकते, यहीं से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे सी टीचेस मी इंग्लिश, अब देखिए ध्यान से, मेन वर्ब कितना है, एक, सब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये कैसा है लिविंग, ये कैसा है नॉन लिविंग, तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप एक ही साथ एक ही समय में पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बना सकते,
दोनों में से किसी एक को ही हम लोग वन टाइम में एक बार में किसी एक को ही पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए तो पैसिव का जो पहला फॉर्मेट लिखते हैं, पहला जो आंसर लिखते हैं, उसे हम क्या करते हैं, लीविंग को बाहर निकालते हैं, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब क्या लिखेंगे, आई एम टॉट इंग्लिश, वेरी सिंपल, इंग्लिश बाय हर, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हर, ये पहला तरीका हो गया। पैसिव लिखने का जो दूसरा तरीका होगा वो क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉट टू मी, अब ये मी के पहले टू लगाना है, अब मी के पहले टू क्यों, क्योंकि ये हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट था, तो यदि नॉन लिविंग को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, लिविंग जहाँ था वही छोड़ देते हैं, यदि लिविंग ऑब्जेक्ट सेंटेंस में अंदर यूज किया जाएगा तो इसके पहले हमेशा आपको यूज करना होगा प्रीपोजिशन टू, किसका यूज करेंगे, तो इसके पहले हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन टू का, टू मी, और फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय हर। तो ये थी इनकी कहानी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ऑर्डर प्रोहिबिशन रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। तो आइए ऑर्डर वाले सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे, ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इनमें हम लोगों को जानने समझने की ज़रूरत होती है। ऑर्डर वाले सेंटेंस को पहचानना बड़ा आसान है, इनका स्ट्रक्चर होता है वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या कभी कभी आप देखेंगे कि सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दिखाई पड़ेगा। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आपको दिखाई दे, दोनों का एक्टिव से पैसिव थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। तो क्या है तरीका दोनों को एक्टिव से पैसिव बनाने का, आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे साधारण सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सबसे साधारण सा सबसे आसान एक एग्जांपल लेते हैं, ओपन ओपन द डोर, क्या एग्जांपल लेते हैं, ओपन द डोर, ये एक्टिव है हमारा, पैसिव क्या बनेगा भाई। अब देखिए पैसिव कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है क्या, हाँ, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि यदि ऑर्डर वाले सेंटेंस में या ऑर्डर वाले सेंटेंस के केस में यदि आपको ऑब्जेक्ट गिवन है तो इसका जो हम लोग पैसिव बनाएंगे वो लेट का यूज करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसका पैसिव हम लोग लेट का यूज करके बनाएंगे, और यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो लेट का यूज करके नहीं बनाएंगे। आइए दोनों एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनाते हैं लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड, हो गया। दूसरा लेते हैं, जैसे दूसरा एक क्वेश्चन ले लिया हम, गेट आउट। अब देखिए ये भी सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो चूंकि ये जो है इसमें ये सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसका जब एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो एक ही तरीके से बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, कैसे बनाएंगे इसका एक्टिव से पैसिव लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, और टू के बाद ये सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सारे क्वेश्चन में, या गेट आउट की जगह कम हो, गो हो, स्टैंड अप हो, कुछ भी लिख दिया जाए। यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो सिर्फ इतना ही लिखना, यू आर ऑर्डर टू, और इसके बाद इस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, कुछ नहीं करना होता है। तो ये ऑर्डर वाला सेंटेंस था। अब इस ऑर्डर वाले सेंटेंस के बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग, अब इसके बाद सीखते हैं प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन जो होता है इसको हम लोग, ये जो प्रोहिबिशन होता है इसको हम लोग नेगेटिव ऑर्डर भी बोलते हैं। कैसे पहचानेंगे, तो इसका फॉर्मेट होता है डोंट या नेवर, डोंट या नेवर प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी ये समस्या होती है, या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यदि ऑब्जेक्ट है तो लेट से बनेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट से नहीं बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू से बनेगा, यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू से बनेगा, यू आर प्रोहिबिटेड टू से बनेगा, या रेस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट का दूसरा कोई भी सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नेवर ओपन द विंडो, नेवर ओपन द विंडो, ठीक है। अब देखो ये नेवर लगा हुआ है, तो जब आप इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पकड़ना है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं। अब चूंकि इसका ऑब्जेक्ट गिवन है
तो हम कैसे बनाएंगे, हम लेट से बनाएंगे। अब जब आप इसका एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो नेवर या डोंट, ये जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई पड़ता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेट, लेट के बाद फिर से लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लेट द विंडो, लेट द विंडो नॉट। अब इस डोंट ये नेवर के बदले नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करते हैं, नॉट, और फिर यहां लगाते हैं बी और वही काम करते हैं ओपन, ठीक है। चलिए एक और ले लें, डोंट, डोंट गो आउटसाइड, आउटसाइड इन द इवनिंग, डोंट गो आउटसाइड इन द इवनिंग, शाम में बाहर मत जाओ, ये अगला क्वेश्चन था। अब इसका कैसे बनेगा, ये देखो, तो ये गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इधर इसका कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, ठीक है। तो हम इसका कैसे बनाएंगे, यू आर ordered, ordered not to go outside in the evening, हो गया। इस तरीके से हम लोग इनका बनाते हैं। अब एक और बचा हुआ अपना रिक्वेस्ट वाला, अब आइए रिक्वेस्ट को भी हम लोग समझ लें। देखे रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस कैसा होता है भाई, तो रिक्वेस्ट वाला ये जो सेंटेंस होता है, आप इसको पहचानोगे कैसे, देखिए रिक्वेस्ट वाले को पहचानना बेहद आसान है। इसके लास्ट में या कहीं भी पूरे सेंटेंस में कहीं भी आप देखेंगे तो प्लीज या काइंडली ये लगा होगा, यदि ये लगा हुआ है तो वही सेंटेंस होता है हमारा रिक्वेस्ट वाला। कैसा सेंटेंस होता है, वही सेंटेंस होता है हमारा रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, जैसे जैसे ये एक क्वेश्चन लेते हैं, प्लीज ओपन, प्लीज ओपन द डोर। तो हम जब इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो प्लीज या काइंडली लिखा होता है इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और बदले में क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो सबका आंसर एक ही तरीके से करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आप रिक्वेस्ट की जगह आप इसके किसी भी दूसरे सिनोनिम्स का यूज कर सकते हैं, सब सही होगा। जैसे इसकी जगह आप अर्ज का यूज कर सकते हैं, आप इसकी जगह आस्क का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको सीधा कॉपी और पेस्ट करते हैं, ओपन द डोर। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से यदि हम लोग इनका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, या इस तरीके से हम लोग इनका एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम लोगों का एक्टिव से पैसिव का जो कहानी है काफ़ी आसान हो जाता है। और जितना यहाँ पर आपको पढ़ा दिया गया इससे बाहर कुछ आने का है नहीं, फिर भी चलिए कुछ और चीज़ों को हम सीखने का जानने का यहाँ पे प्रयास करें, देखते हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों को गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आपको क्या करना चाहिए, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और तब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर को, किसको डिस्कस करेंगे, तो अगला चैप्टर होगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। आप इतनी देर तक हमें ध्यान से देखे, आपने हमें सुना, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।